Good to see you, class. This is Harshia, Science Mentor. Today we are starting with chapter number 5, and the name of the chapter is Eat Healthy, Live Healthy, right? So children, why we all need food? We all need food to live alive and to stay healthy, right? To stay away from diseases. इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है, to get energy, right? तो इसमें हम बात करेंगे, इस चैप्टर में हमें क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके अलावा डिजीजेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड एब्सोल्यूट हेल्थ. सो स्टार्ट विद द चैप्टर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? जो फूड हम खाते हैं और उनसे हमें जो चीज़ें, हेल्दी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो सब्सटेंसेस हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमें डिजीज़ से दूर रखने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, राइट? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिएंट्स. नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में. कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलते हैं और ये मेजर पार्ट होता है हमारी डाइट का. वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस और हमारी बॉडी में शुगर और स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी, जो कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, शुगर की फॉर्म में फूड बनाते हैं एंड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में. सिमिलरली हमारी बॉडी में या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं शुगर्स एंड स्टार्च में. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, और इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं. जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लूकोज. हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और ये एक फ्यूल की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए. लाइक व्हीकल्स रन होते हैं, व्हीकल्स को रन करने के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए दीज नीड्स व्हाट? फ्यूल. सो सिमिलरली फूड इज फ्यूअल फॉर आर बॉडी. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स भी हमारा क्या होता है? फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड में आता है एंड इन फैक्ट फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स के, राइट? वी गेट मोर एनर्जी कंपेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट. सो दीज गेट स्टोर्ड इन द बॉडी अंडर आर स्किन. जो फैट है वो हमारी स्किन के नीचे, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, फैट की एक लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर स्किन की होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है एंड देन हमारी एक फैट की लेयर होती है, फैट जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करता है और एनर्जी हमें देता है. द बॉडी यूजेस दिस फैट लेटर टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन. सो कभी कभी अगर हम बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते हैं या हम फास्टिंग करते हैं then also we are energized. How? Because fat is stored in our body and our body is using this fat to change into energy, right? So ATPs में convert होती रहती है, energy मिलती रहती है इस fat को जो कि एक layer की form में हमारी body में stored है. Food that are rich in fats are मीट, मिल्क, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, इसके अलावा बटर, घी, जितने भी ऑयल्स हैं इन सब में फैट है. मिल्क में फैट है, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट में फैट है, मीट में. सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ फैट. नाउ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे, प्रोटीन्स को हम मसल बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं क्योंकि ये मसल्स को बिल्ड करने में और मसल्स को रिपेयर करने में बहुत ज़रूरी होते हैं. और आप जैसे बच्चों को, ग्रोइंग किड्स को प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी और help us to grow, to build and to repair the worn out cells in our body. हमारे body में जो cells break down. Children, हमारी body में रोज
सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, नए बनते हैं, कुछ डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. सो दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल द फूड स्टफ, जैसे कि बीन्स में, मीट, मिल्क, फिश, एग, नट्स, ये सब प्रोटीन्स में रिच होते हैं. पल्सेस में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड विटामिन. सो मिनरल्स एंड विटामिन्स को कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये हमें डिजीजेस से दूर रखते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इनको हमें ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है. सो विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस एंड दस कीप इट फिट. सो देयर आर डिफरेंट विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, और इनके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे. सो ये हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और डिजीजेस से दूर रखते हैं. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फिश आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन. सो मिनरल्स ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ. सो कैल्शियम इज टाइप ऑफ अ मिनरल जो हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? सो और ब्लड जो बनता है वो किससे बनता है? आयरन से, राइट? और आयरन भी एक मिनरल है. मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एट्सेट्रा. सो कलेक्टिवली विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें डिजीजेस से दूर रखते हैं, और साथ ही साथ हम इनको कहाँ से कंज्यूम करते हैं? वी आर ईटिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो वी आर गेटिंग द विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ कम टू द रफेज. रफेज को हम न्यूट्रिएंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट रफेज एंड वाटर ये दो चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, बट दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देखते हैं किस लिए. तो ये हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सट्रीट करने में हेल्प करते हैं. सो रफेज ऑल्सो नोन एज फाइबर और बल्क एज एन इनडाइजेस्टिव कंपाउंड दैट आर बॉडी कांट एब्जॉर्ब. सो रफेज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन इसकी हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर आता है, राइट? सो इट इज़ द फाइबर कंटेंट इन आर फूड. प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज इन डाइट मेक्स आउट डाइजेशन स्मूथ एंड ईजी. वरना क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और अनडाइजेस्टेड फूड ईजिली बाहर नहीं आएगा. सो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन रफेज, एंड रिमेंबर दिस थिंग, रफेज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इज वाटर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वाटर इज नॉट हैविंग एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर. सो वाटर मेक्स अप 50-75% ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में इतना परसेंट वाटर है. अगर वाटर नहीं होगा तो ब्लड कितना थिक हो जाएगा, राइट? और सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में ही मिक्स्ड रहते हैं. सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ आर बॉडी. तो हमें कितना पानी पीना चाहिए? 8-10 ग्लासेस एवरी डे. नाउ टू स्टे हेल्दी वी शुड ड्रिंक 8-10 ग्लासेस वाटर एवरी डे. नाउ कम टू द बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है चिल्ड्रन जिसमें सारे न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. सो टू मच और टू लेस ऑफ सर्टन फूड्स कैन मेक अस इल. अ डाइट फुल ऑफ वाइड रेंज ऑफ फूड दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी इन द राइट अमाउंट. सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. सेवरल सर्विंग्स ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड बीन्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन आर एवरीडे डाइट. तो हर चीज़ को हमें कंज्यूम करना है. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहे हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स को इग्नोर कर रहे हैं, या प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं. प्रोटीन्स ऐसा नहीं है,
although growing kids need more protein, but बड़े लोगों को भी जो ऑलरेडी ग्रोन अप हैं उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है? न्यू सेल्स फॉर्मेशन में. एंड इनफैक्ट हमारे हेयर्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं. सो सब लोगों को प्रोटीन इनटेक करना चाहिए. नाउ एब्सोल्यूट हेल्थ, व्हाट इज दिस? एब्सोल्यूट हेल्थ इंक्लूड्स हेल्दी एंड फिट माइंड एज वेल एज बॉडी. सो हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी. तो आपने ये सुना ही होगा, तो अगर आपकी बॉडी फिट है तो उसका आपका माइंड भी फिट है और हेल्दी है. इफ इट इज नॉट जस्ट फीलिंग फाइन, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप एंड गुड पोस्चर अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट आर असेंशियल फॉर परफेक्ट हेल्थ. हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, वाटर एंड ब्रफिश भी कंज्यूम करना चाहिए और साउंड स्लीप. ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को बरकरार रखती हैं, उनको हमें हेल्दी रखती है. सो व्हाई इज बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस? बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर ग्रो टू स्टे हेल्दी एंड स्टे अवे फ्रॉम द डिजीजेस. नाउ आर बॉडी गेट एनर्जी बाय कार्बोहाइड्रेट्स? येस, वी आर गेटिंग एनर्जी बाय द कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिजीजेस. सो डिजीजेस क्या होती है? डिजीजेस हमारी बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसमें हम मतलब हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है. सो कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी और द होल बॉडी. सो जब आपको फीवर होता है, जो आपको लगता है ना आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बहुत लेजी हो, नींद आ रही है, पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, तो क्या होता है? हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है. सो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ डिजीजेस लाइक डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स और डाइट और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट. सो डिजीजेस कब होती है? डिजीजेस होती हैं कि या तो हमारी डाइट में कुछ ना कुछ कमी है, डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होती हैं. जैसे विटामिन ए की वजह से डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, विटामिन बी की वजह से, विटामिन सी की वजह से. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में भी बहुत सारी डिजीजेस होती है. फॉर एग्जाम्पल गोइटर. गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन. और आयोडीन एक मिनरल है, इसी वजह से हम आयोडीन सॉल्ट कंज्यूम करते हैं. टू डाइट वाइल अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन वी सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू एन एरिया ऑफ हार्ट मसल्स इज ब्लॉक्ड. और हार्ट अटैक कब आता है? जब हार्ट प्रॉपर पंपिंग कर रहा है लेकिन वो आपकी आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पा रहा है. और अगर प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा तो बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हम डेड हो जाएंगे, राइट? सो देयर आर सम डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. तो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट हो जाती है डिजीजेस वो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जो नहीं होती हैं वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. जैसे अगर किसी को विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज है, तो स्कर्वी डिजीज एक पेशेंट में है, उसके साथ में अगर एक हेल्दी पर्सन है उसको ये कम्युनिकेट नहीं होगी. सो अगर उसके अंदर भी विटामिन सी की डिफिशेंसी है देन उसको ये डिजीज हो सकती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज डिजीजेज दैट डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल. और ज़्यादातर ये डिफिशेंसी डिजीजेज होती हैं जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं. सो डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सच एज कैंसर आर कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड इनटेक ऑफ टू मच फैटी फूड
कॉजेज ओबेसिटी। सो मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जंक फूड में शुगर एंड फैट कंटेंट ही सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। और कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बट वो क्यों होता है? हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, कंज्यूमिंग ऑफ एल्कोहल, और इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना और बैलेंस डाइट ना लेना, बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करना। सो दीज आर सम दिस इज द टेबल इन विच द डिजीजेज और डेफिशिएंसी डिजीजेज हैव बीन गिवन इन वन कॉलम, देन बिकॉज ऑफ विच विटामिन और मिनरल ये डिजीज हुआ है और क्या सोर्सेज हैं उस विटामिन और मिनरल को कंज्यूम करने के लिए। जैसे विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर आईज, राइट? जिन बच्चों को आईज में प्रॉब्लम है उनको विटामिन ए ज़्यादा खाना चाहिए। कैरेट में बहुत अच्छा विटामिन ए मिलता है और इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, ये एक डिजीज़ होती है जिसमें रात में हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली इन डिम लाइट और एट नाइट। और हमें कहाँ मिलता है? कैरेट में मिलता है, पपाया में मिलता है, फिश एंड एग में विटामिन ए मिलता है। देन विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होती है और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम पर और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगती है और नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। नाउ हम कहाँ से विटामिन बी खाते हैं? तो हम खाते हैं पीज, मीट, सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, राइट? नेक्स्ट इज विटामिन सी, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है जिसमें कि स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो गम्स हैं टीथ के, जिसमें टीथ किसमें ग्रो करते हैं? गम्स में। सो गम्स में स्वेलिंग आ जाता है और ब्लीडिंग होता है। और ये हमें कहाँ से मिल सकता है विटामिन सी? हमें ऑरेंज में, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है, ऑरेंज, लेमन, टमाटो और स्प्राउटेड ग्रेन्स में हमें विटामिन सी मिलता है। नाउ विटामिन डी की वजह से बीमारी होती है, उसका नाम है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं धीरे धीरे और इजीली अगर आप गिर जाओगे, चोट लगेगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट विटामिन डी फ्रॉम मिल्क, एग, फिश एंड सनलाइट। सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इज आयरन, जो कि मिनरल है। जो आयरन हमें किससे मिल, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया डिजीज होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। लेस आयरन इन ब्लड मेक्स वन लुक पेल एंड टायर्ड। तो क्या होगा अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड कम होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या होती है, पेल, पीले रंग की हो जाती है। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा थके रहने लगते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं। और आयरन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट आयरन फ्रॉम मीट, एप्पल, स्पिनच, रेजन्स एंड बाजरा। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग द आयरन फ्रॉम द फूड। नाउ गोइटर, गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी की वजह से गोइटर बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये गोइटर की पिक्चर है, इसमें जो नेक है, नेक में ये स्वेलिंग आ जाता है, ग्लैंड होती है वो स्वेल अप हो जाती है, अंडर डेवलप बोन्स एंड टीथ। और इसकी वजह से क्या होता है, एग, ये कहाँ मिलता है हमें? एग, फिश, कैरेट, पपाया, मीट, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल से हम आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज एनीमिया। एनीमिया में देखो आप स्किन कैसे पेल हो गई है, राइट? रिकेट्स में आपकी जो बॉडी है वो, मतलब जो बोन्स हैं वो, उनकी शेप चेंज हो जाती है या बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने लगता है। दिस इज कर्वी, जिसमें आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड होने लगते हैं और स्वेलिंग हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बेरी बेरी। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात में दिखता नहीं है अच्छे से। नाउ कम टू द कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक उसको वायरल है, तो अगर वो स्नीज करता है या कॉफिंग करता है तो जो जर्म्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और हेल्दी पर्सन जो उसके साथ है वो अगर उस एयर में ब्रीथ करेगा तो उसको वो डिजीज़
कम्युनिकेट हो जाएगी, राइट? सो ट्रांसमिट हो जाएगी. सो द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नॉन एज कम्युनिकेबल डिजीजेज. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मलेरिया, डेंगू, प्लेग, कॉलरा, टीबी एटसेट्रा. सो मलेरिया, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन है उसको अगर कोई मस्किटो बाइट करता है, दूसरे पर्सन, एक हेल्दी पर्सन उसके पास में, उसको भी वो मस्किटो बाइट करता है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाती है. सो द दीज जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट बाइट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम टू दी कम्युनिकेबल डिजीजेस. इसमें एग्जाम्पल दिए हैं डिजीजेस के, जैसे जॉन्डिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फ्लुएंजा है. तो जॉइंडिस में क्या होता है, एपेटाइट कम हो जाएगा आपका, कलर कम, कलर येलो हो जाएगा, पीला हो जाता है, यूरिन भी येलो कलर का आता है, फीवर होता है. तो इसके ट्रीटमेंट क्या है या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके, तो इसमें वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस बी की, जो हमें जॉइंडिस से सेफ करती है. नाउ प्योरीफाइड वाटर, जॉइंडिस पानी, गंदा पानी पीने से भी होता है, सो प्योरीफाइड वाटर एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल एंड पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ शुगर केन जूस एंड ग्लूकोज, राइट? ये हम देने से धीरे 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 करके लिवर रिकवर होता है. नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसमें परसिस्टेंट फीवर, कफ स्पेक्ट्रम, स्पिटम विद ब्लड एंड फेटेज, वेट लॉस. तो ये कुछ इन्फ्लुएंजा ये एग्जाम्पल्स हैं और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए हुए हैं. सो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स. नाउ वी हैव समरी पॉइंट्स. समरी, वी हैव ऑलरेडी डन दीज पॉइंट्स इन डिटेल वाइल द एक्सप्लेनेशन. नाउ डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. वी हैव टेक द करेक्ट ऑप्शन, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ प्लांट फूड दैट हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आर बॉडी. सो अनडाइजेस्टेड पार्ट, कौन सी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है? एज आई टोल्ड यू, करेक्ट, इट इज़ रफेज. रफेज कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, बट अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है. सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर टू इज मिसप्रिंटेड. इट इज़ द स्टेटमेंट इज गिवन, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट वी नीडेड इन द लार्ज क्वान्टिटीज. सो न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें लार्ज क्वान्टिटी में इसको कंज्यूम करना चाहिए. व्हाट इज इट? इट इज़ वाटर एंड द ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड हियर. तो वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वाटर के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 6 to 8 ग्लासेस इन अ डे कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट इज एनीमिया. सो एनीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन. आयरन की वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है. लैक ऑफ वाइटामिन सी मे कॉज स्कर्वी. सी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है. बी की वजह से बेरी बेरी होता है. और वीक बोन्स होती हैं रिकेट्स की वजह से, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट फिलअप इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर आर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट वन, व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली फिट ही इज कंसीडर्ड टू बी हेल्दी. क्योंकि हेल्दी पर्सन फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट होना चाहिए. व्हेन सम बॉडी पार्ट्स डज नॉट वर्क वेल, इट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ डिजीज. एंड द लास्ट वन, लॉस ऑफ एपेटाइट इज अ सिम्टम ऑफ जॉन्डिस. नेक्स्ट इज राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन. फॉल्स स्टेटमेंट वी हैव कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. सो दिस इज ट्रू चिल्ड्रन, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन आर बॉडी. दिस इज फॉल्स, फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है. रफेज आर यूजलेस फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज अगेन फॉल्स. रफेज हमारे लिए बहुत यूजफुल है. इन द नेक्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डजंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो एक से दूसरे को स्प्रेड होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर चिल्ड्रन. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू एंड बाय. टेक केयर.